दोस्तों, तो करेला देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करेले की रेसिपी। तो करेले को मैंने पील करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके गोल गोल छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। गाइस, करेले के राउंड राउंड छोटे छोटे स्लाइसेस मैंने कट कर लिए हैं कुछ इस तरीके से। अब हम इनमें एक चम्मच नमक डालेंगे और नमक में इनको मिक्स करके एक घंटे के लिए ढक के रख देंगे। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करेले बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ आयरन की कढ़ाई का, और इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और मैं टमाटर भी कट कर चुकी हूँ और अनियन भी मैंने, जैसे आप छल्ले काटते हैं ना गोल गोल, तो देखो छल्ले वाला अनियन मैंने राउंड राउंड कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लहसुन कट किया है और ये देखिए एक घंटा हो चुका है करेले को नमक के अंदर। तो गाइज, अभी हम करेले को ऐसे हाथ में लेंगे और ऐसे प्रेस करके इसका सारा जूस निकाल देंगे, तो इसका जितना भी कड़वापन है वो सारा बाहर निकल जाएगा। और फिर इसको अच्छे, गाइज करेले को मैंने अच्छे तरीके से पानी में वॉश कर लिया है, इसका जो भी एक्स्ट्रा नमक था वो निकल गया होगा। अब हम करेले को ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, आप देखिए करेले गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनमें जो हमने राउंड राउंड अनियन कट करके रखे थे वो डाल देंगे और अनियन को भी हम गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो एंड ग्रीन चिली जो हमने कट करके रखी थी, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, दो मिनट तक पकाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। करेला मेरा बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में और खाने में भी इतना ही यम्मी लगेगा। अब है मसालों की बारी, तो मैं सबसे पहले डाल दूँ इसमें टर्मरिक। तो हम पहले हल्दी डालेंगे, फिर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और सॉल्ट हम इसमें थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी करेले को नमक में डाल के रखा, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, अब हम इन्हें 10 मिनट तक पकने देते हैं ढककर और फिर हमारे यमी यमी करेले रेडी हो जाएंगे। सो गाइस, यमी से करेले रेडी है। आप ये करेले बनाइए, इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे आप चाहे वैसे एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।